हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो मेडिकल वाला। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मैजिक मैन टैबलेट के बारे में। तो यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी पत्नी के साथ में ज़्यादा देर तक परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो, आपकी पार्टनर आपसे खुश नहीं हो पाती है, तो दोस्तों घबराइए मत, इस वीडियो को देखें। इसमें हम बात करने वाले हैं इस मैजिक मैन टैबलेट के बारे में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसकी मदद से आप अपने पार्टनर को खुश कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो फ्रेंड देख सकते हो इस तरह की पैकिंग होती है इसकी। मैजिक मैन इसका ब्रांड नेम है और जी ड्रग्स के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, जी लेबोरेटरीज। तो यहाँ पे इसके अंदर में जो कंटेंट है वो आपको मिलता है वर्डेनाफिल, जो कि 20 mg मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आपको मिल जाता है। इसका MRP के बारे में बात करें तो MRP आपको मिलता है 75 रुपये। और इसके अंदर में जो है एक ही टैबलेट होती है। ये जो आपको डब्बी दिख रही है, इसके अंदर सिर्फ एक ही टैबलेट है और यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिल जाता है। तो एक बार ये अंदर से खोल के आपको दिखा देता हूँ किस तरह की पैकिंग है इसकी। उसके ने इस बॉक्स को ओपन करके टैबलेट को बाहर निकाल लिया है और टैबलेट कुछ इस तरह की दिखने को मिलती है। तो आइए बात करते हैं इसके इस्तेमाल की। तो इस्तेमाल जैसे कि मैंने अभी बताया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो सिंपल भाषा में एक बार आपको और बता दूं कि यदि आपका जो है वीर्य बहुत जल्दी निकल जाता है, आपकी टाइमिंग कम है, आप अपने जो पार्टनर है उसको ज़्यादा लंबे समय तक खुश नहीं कर पाते हो, तो फ्रेंड टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो वर्डेनाफिल का। तो ये आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। डिफरेंट ब्रांड नेम के नाम से भी आप इसको ले सकते हो अगर आपको मैजिक मैन के नाम से नहीं मिलती है। बाकी की ऑनलाइन ही आपको मिल जाएगी मैजिक मैन के नाम से। और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं। जनरली कुछ दो मेजर साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पेट में गैस बनना और सर में दर्द होना। किसी किसी को थोड़ी सी खुजली जैसी शिकायत होने लगती है। और बात करें इसके यूज़ की कि यूज़ कैसे करना है, तो इसका इस्तेमाल जो है आपको आधे घंटे या एक घंटे पहले आप ले सकते हो पानी के साथ में। जिन लोगों को लीवर किडनी से संबंधित कोई परेशानी है, स्ट्रोक की समस्या है, मतलब हार्ट अटैक की समस्या है, दिल का मरीज है कोई व्यक्ति, तो वो इसको ना ले। इसके अलावा शुगर वाले पेशेंट भी थोड़ा ध्यान से बिना डॉक्टर की परमिशन के इसको ना ले। और इसके इस्तेमाल करने के बाद में दोस्तों शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि शराब का सेवन करने लगते हैं, तो वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस टैबलेट को या फिर इस तरह की जितनी भी टैबलेट हैं उनको महीने में कितनी बार खाना चाहिए और किस एज के लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, किन को खानी चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि यंग एज के जो लोग हैं वो इसका सेवन करने से बिल्कुल बचे। जो 18 साल से 25 साल तक के, 30 साल तक के लोग हैं वो इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तरह की जो टैबलेट है बेसिकली जो ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनके लिए होती है। बाकी की इमरजेंसी में या फिर कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि इस तरह की टैबलेट लेनी पड़ जाती है। तो अगर आप महीने में 2 या 3 बार भी ले रहे हो, 4 बार तक भी ठीक है, बट आप उससे ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती है, आपको अटैक वगैरह की समस्या हो सकती है। तो इसलिए कम से कम इसका इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो में इतनी थी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।